हेलो जी, कैसे आप सब? वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं अभी उठाऊँ यार, बाहर निकल आया हूँ मैं उठ के। आज धूप बहुत तेज़ है, तेज गर्मी है आज, मुझे लग रहा होगी थोड़ी देर बाद तक, क्योंकि अभी सुबह सुबह नहीं फील हो रही। मुझे लग रहा है कि 12 बजे के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। जिसने अभी तक रेबजू भी सब्सक्राइब ना किया, जल्दी से सब्सक्राइब मार दो फटाफट। नहीं करो, कमेंट करो, शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करके यार एक्टिव स्क्वाड में शामिल हो जाओ मेरे। गुड मॉर्निंग दुल्ला, इधर देखो यार, कैमरे में देखो यार। तो रखा आज? हाँ जी। कितना रोज है आज? 28। जीनियस बंदा है, इसको पता है कि कितने रोजे हो गए। अभी सुबह सुबह उठ के कहाँ जाने लगे? इतनी गर्मी में ट्यूशन जाने लगा जी अब्दुल्ला सुबह सुबह। हमारा रोड बन रहा था तो उसके ऊपर रेत वगैरह सारा कुछ डाला हुआ था, जिसकी वजह से डस्ट हो रही थी। अब टाइलें आ गई हैं, बल्कि लग भी गई हैं। हमारी गली से थोड़ा सा आगे तक भी हमारी गली के सामने तक नहीं पहुंची। अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ बस आप लोगों को दिखाने के लिए। ये मेरे बैक साइड पर कितनी ज़्यादा ढेर लगा हुआ टॉप टाइलों का, तो आगे मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए जा रहा हूँ। लग रही है, ये लग रही है जी बड़ी जबरदस्त तरीके से। आगे मैं वहाँ से, धूप बड़ी तेज है यार। फिलहाल मेरा भाई, मैं घर आया हूँ बाइक लेने के लिए, जा रहा हूँ कहीं काम, वापसी पे आके तो फिर हम गपशप लगाते हैं। सुबह से गया हुआ यार मैं, अब वापिस आया हूँ, थक गया हूँ यार आज। अब मैं जाने लगा उधर, वहाँ जाके अफ्तारी करेंगे फिर जाएंगे बाजार में। बच्चों ने सरप्राइज दे दिया, बच्चे अभी वापिस आ गए हैं सारे। ये बिलाल ने इसे बड़ा बैग उठाया हुआ है। और मुझे अपनी साइकिल पे झूला दे रहा है। हम तो दास हो गए थे सैफी तेरे बगैर, मुझे सैफी झूले दे रहा है साइकिल पे। ये देखो जी सैफी साइकिल चला रहा है, सैफी साइकिल चला रहा है और मैं पीछे बैठा हूँ। और जैद हेलो कर रहा है बिलाल। वाओ, ये सारे बच्चे मेरे साथ साथ हैं। हमारे तरफ भी हाय, हमारे तरफ से हाय। अरे फिर बोलो हाय। सही कहा है बिलाल ने, वाकई मैं बाजार जाने लगा हूँ, तो जाके दिखाता हूँ आपको। ईद की गहमा गहमी है और लोग शॉपिंग करने निकले हुए हैं। बाजार इस टाइम जगमगा रहा है, मौसम भी अच्छा हो गया, हवा वो चल रही है, तो गहमा गहमी तो है लेकिन कस्टमर कोई नहीं है। ये मेरे पीछे गर्ल्स कॉलेज है और ये साथ ही मैंने अपनी नाले पे शॉप लगाई है। बच्चों के सूट हैं इसमें और लड़कियों के नेकलेस हैं अच्छे अच्छे, लेकिन कमाल लेने के लिए अभी तक मेरे पास कोई कस्टमर नहीं आया है। मैं थक गया हूँ कस्टमरों का वेट कर करके, मुझे लग रहा है कि अब मुझे जाना पड़ेगा, अपनी शॉप धक्का लगा के आगे लेके जानी पड़नी है। यहाँ पे तो अभी कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा मेरे पास। ये पीछे जो भाई बैठे हुए हैं ये मेरी शॉप के सेलमैन है और मैं अपनी शॉप का ऑनर हूँ। इस शॉप का ये नेकलेस मैं 150 से लेके आया हूँ, इतने खूबसूरत हैं। 200 रुपये में, 250 रुपये में हमने सेल करने हैं, 400 रुपये 100 रुपये बचत लेनी है, ये तो हमारा हक बनता है। लेकिन कस्टमर भाई जी फिर नहीं है, कोई खरीदने वाला ही नहीं आ रहा। सेल लगाई ये इतनी सस्ती, और ये सूट है बच्चों के, ये जनाब 200-250 रुपये में मैं दे रहा हूँ। कुछ इसमें 500 वाले भी हैं जो बड़े बच्चों के हैं, बाकी 200 वाले हैं, 250 वाले हैं, लेकिन कस्टमर नहीं आ रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या कस्टमर क्यों नहीं लेने आ रहे सौदा हमसे। फाइनली मेरा भाई बड़ी देर बाद, इतना इंतजार करने के बाद एक कस्टमर आया हमारे पास, तो वो भी सौदा नहीं ले गया हमारे से, ये वापस इधर ही पैक करके रख रहे हैं हम। यार कुछ ज़्यादा सेल्स हो रही हमारी, 3-4 घंटे हो गए हमें खड़े हुए और 2-3 सूट हमने सेल किए, इससे ज़्यादा सेल ही नहीं हुई है हमारी। अभी भी कस्टमर बस देख ही रहे हैं मेरे पीछे, ले नहीं रहे। हालांकि है अभी इतने सस्ते हैं, 350 में है, 250 में है, 400 में है। ये मेरा दोस्त आ गया, हेलो बोल दो। हेलो, ये मेरा दोस्त आ गया जनाब सब्जी वाला। ये रात को पता नहीं कहाँ निकले हैं, ये छोटे रात को निकले हैं, ये छोटे से छोटे बेबी को साथ ले गए शॉपिंग करने के लिए निकले हैं। अभी इसकी देखे क्या क्या ये और रहता है। बेटा क्या लेने आए हो आप? ये कल घूम जाए आप, मुझे चला के दिखाओ। ये आपने क्यों लगाए हुए हैं? तो भाई ये बारागर्दी करने आए हैं, तरह के बच्चे होते हैं रात के अंधेरे में जो घर से निकलते हैं, लेना इन्होंने कुछ नहीं है, और फिर ये रोड पे घूमने आए हैं वैसे ही बाजार में।
क्या है जी, हम विंडो शॉपिंग करने आए हैं। विंडो शॉपिंग का बहाना ही होता है ये जनाब, इनके माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है। इनका शुमार भी उन्हें होता है। मैं तो चलो आया हूँ बाजार में, मैंने तो शॉप लगाई है बाजार में, मैं तो मेहनत करने आया हुआ। ये मेरी दुकान है, पीछे मैंने सेल लगाई हुई है सूटों की, मैं सूट बेच रहा हूँ बच्चों के। आपको ख्याल नहीं आया कि आपको रात में 10 बजे इनके शॉप लगाई है आपने? इनके माइंड में कुछ और ही चल रहा है। मेरा भाई सुबह के टाइम वो भाई बैठे होते हैं, अभी वो जाने लगे हैं यहाँ से। इनके टाइम उनकी ड्यूटी होती है, रात को अभी मेरी है। अभी मैं बेचूंगा यहाँ पे जनाब सामान, जैसे आप अपनी दुकान दिन में बंद करके आ गए ना। लोगों ने खरीद लिया आपसे? अगर मेरा भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम सेल कर रहे हैं सस्ते। क्या सेल कर रहे हैं आप? सस्ते सूट दे रहे हैं लोगों को महंगाई में, क्योंकि ये हमने भाई रखा हुआ सेल, मैं हर टाइम खाता ही रहता है, इसको और कोई काम नहीं है। वेला एक भी सूट नहीं बेचा है और अब यहाँ पे इंडिया ले गया आ गया तो वो बैठ के खा रहा है। तो अभी हमसे कोई पूछते ना आगे कि ये कौन है, तो हम कहते हैं ये हमारी शॉप के ऑनर है। इंडिया खा रहे हैं ऑनर साहब, और इंडिया खा के इन्होंने अपना मुंह भी सेंगी जैसा कर लिया। तो यार अब मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ, ये मेरे पीछे देखे जनाब कैसी कैसी दुकानें लगी हुई हैं ईद की गहमा गहमी में। कि मेरा भाई रात के तकरीबन 11:30 बज गए हुए हैं, मैं अब घर जा रहा हूँ। आपको अपनी दुआ में याद रखूँगा, आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखना। एक नए व्लॉग के साथ, तो अल्लाह हाफिज़।